लेकिन हर चीज़ की डायग्नोसिस के लिए हमें मरीज से हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अगर जो मरीज़ कह दे भाई कि उसको कुछ लूज मोशन लगे हैं या उसने कुछ बाहर खाना पीना किया है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो सिंपल इन्फेक्शन तो नहीं है। एपेंडिसाइटिस का पेन हमेशा पेट में राइट साइड में होता है, नाभि से नीचे होता है, नाभि से करीब 3 से 4 इंच राइट साइड में नीचे की तरफ थोड़ा जाके होता है। अगर जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन होता है तो हमें सोचना चाहिए कि अपेंडिक्स है। लेकिन हर चीज़ की डायग्नोसिस के लिए हमें मरीज से हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अगर जो मरीज़ कह दे भाई कि उसको कुछ लूज मोशन लगे हैं या उसने कुछ बाहर खाना पीना किया है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो सिंपल इन्फेक्शन तो नहीं है। या हमें लेडीज़ से पूछना पड़ता है भाई कि आपको अभी पीरियड्स तो नहीं आए हैं। कई बार पीरियड्स का दर्द भी हमें लगता है भाई कि कोई डॉक्टर कह सकता है अपेंडिक्स तो नहीं है। तीसरा क्या है, अगर जो यूट्रस में या फिलोपियन ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन हो तो भी राइट साइड में दर्द हो सकता है। तो हर अपेंडिक्स का दर्द हम अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करके मरीज़ के पेट पर हाथ रख के हम पर्टिकुलर पॉइंट पर दबाएँ, एक ही पॉइंट होता है वो, जिसको मेडिकल टर्म्स में मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं, वहाँ तकलीफ है तो अपेंडिक्स का ही चांस ज़्यादा होता है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें सिंपल एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना होता है और एक ब्लड टेस्ट कराना होता है, जिससे हमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और पेशेंट को फिर अकॉर्डिंगली ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है।